हाउ आर यू? हाय, हेलो, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं स्पेशल सैलड बना रही हूँ, मूंग दाल का सैलड। और इसके लिए मेरे को चाहिए मूंग दाल, और स्प्राउटेड मूंग दाल है, एंड देन ऑनियन, कुकुम्बर एंड टमाटो, और ग्रीन चिली एज एज विश अगर आपको खाना है। और इसके साथ, और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूंग दाल जो हमने एक पैन पे लेंगे बर्तन में, और सारे वेजिटेबल्स को इसमें, ऑनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया, सॉरी कुकुम्बर और टमाटो को, इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम सॉल्ट वगैरह यूज़ करेंगे, और इसको हम अच्छे से क्या मिक्स कर लेंगे, दाल जो हमारे मूंग। और इसमें, और आपके अगर इसमें हेल्थ की बात करूँ तो इसे वेरी हाई न्यूट्रिशन कुकुम्बर है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड्स है, टमाटो विटामिन सी है, ऑनियन है, थाइमिन वगैरह। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अच्छे फ्लेवर के लिए, एंड हम हल्का सा डालेंगे सॉल्ट, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन पीस करके भी डाल सकते हो, और नहीं डाल सकते हो तो। अब हम इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये है मेरा सैलड रेडी। एंड और इसमें आप हल्का सा इसमें धनिया लीव्स भी डाल सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सैलड है, स्पेशली इन समर के लिए है, और स्पेशली वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आपने लंच टाइम में अगर आप एक रोटी, थोड़ा दाल और एक कटोरी आप ये ले लेते तो एक आपका पेट फुलफिल भी रहेगा, और आपको भूख भी लगेगी, और फाइबर्स अधिक है, तो फाइबर होने की वजह से जो आपके पेट को लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगने देगा, और जो क्रेविंग्स होती हैं वो कम हो जाएंगी, एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आप डेली ये अपने, स्पेशली इन लंच टाइम पे अपने आप को सैलड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जितना आप सैलड यूज़ करोगे उतना, जितना आप कच्चा खाना, कच्चा फ्रूट या सैलड ज़्यादा लोगे, उतना फाइबर हमारी बॉडी में आएगा, और उतनी बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा हमारी बॉडी में न्यूट्रिएट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी सैलड है, और इसमें कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं, नो ऑयल, नथिंग, ओनली सिंपल। ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हो, और बाकी इसमें और कुछ नहीं डालना है। और आपको ऐसे ही एज इट इज़ आपको अपने खाने के साथ, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप खाने के बीच में ले सकते हो, खाने से पहले भी ले सकते हो, और खाने के बाद भी ले सकते हो। तो इन्जॉय द सैलड। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।